यहाँ पर भी ये दोस्तों ये मूर्ति रखी गई है जो कि शिलालेख ये मूर्ति है। गांव की कुछ इस तरह से स्कूलें रहती हैं। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू बाइक माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने गांव के पास में ही रामचुआ मंदिर है उसके बारे में दिखाने वाला हूं कि कैसा मंदिर है और वहां पास में ही झरना है, जो कि झरने में पानी है कि नहीं है ये सब दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। और पास में ही एक बड़ा सा ग्राउंड और पाठशाला, ये तीनों एक साथ वहां पे स्थित है दोस्तों। मैं इन सभी को आप लोगों को दिखाने वाला हूं और साथ में वहां का क्या कैसा वातावरण है बताने वाला हूं। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि मैं अपने यह ब्लॉग अपने घर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। चलते हैं, सबसे पहले वो साइकिल ले लेते हैं। हमारे घर में ही ये गुलाब का फूल है, इसको भी ले लेते हैं। वहाँ पे पास में वहाँ पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को बताए हैं कि मंदिर है, तो वहाँ पे पुष्प भगवान को चढ़ा देंगे। अब जा रही हमारी साइकिल, इससे अब जाने वाले हैं। तो चलते हैं इस साइकिल से। इस साइकिल का कुछ इस तरह से कंडीशन है। गाइस, रास्ते में कृष्ण कुमार का घर पड़ा और वहाँ से कृष्ण कुमार जा रहा था कोचिंग, तो साथ में उसको भी ले लिए हैं। वहीं पास में ही कोचिंग भी जाता है। ये खा रहा खीरा और मेरे को भी दिया है खीरा खाने के लिए, ये हाथ में मैं लिया हूँ। मेन रोड में अभी हैं, ये कृष्ण कुमार जा रहा है आगे आगे। हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर मोड़। रामपुर मोड़ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है रामचुआ मंदिर। रास्ते में यहाँ पे ये मुर्गी फार्म रोड के बाजू में कुछ इस तरह। गाइज, ये बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे कृष्ण कुमार की यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, आपको दिखा दें। इसी बिल्डिंग में कृष्ण कुमार का कोचिंग है, बायो पढ़ता है। ये देखिए, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, करियर कोचिंग सेंटर यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बंद है, कृष्ण कुमार अभी मेरे साथ जाएगा। गाइज, फाइनली हम पहुँच चुके हैं रामचुआ मैदान में। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये मैदान दिखाई दे रहा है और यहाँ बहुत लोग रनिंग करते हैं सुबह टाइम पर। और इधर आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ये बाजू में ये मेन रोड है, मेन रोड से ये बाजू में ये मैदान है और मैदान के बाजू में ये बगल में ये दोस्तों ये स्कूल है जिसे हम लोग पाठशाला बोलते हैं। और पाठशाला की ये बाजू में दोस्तों ये छोटा सा दिखाई दे रहा है जो कि मंदिर है, उसको चल के हम पास से दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामचुआ मंदिर के पास और यहाँ पे ये बगल में ये बड़ा सा मैदान और इसके बाजू में ये पाठशाला, जो कि आपको कुछ इस तरह से पाठशाला दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी ज़्यादा धूप है इसलिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये दोनों लोग साइकिल खड़ी कर दिए हैं, हम और कृष्ण कुमार, और चलते हैं मंदिर को दिखाते हैं। फ्रेंड, ये है बजरंगबली का ये मंदिर, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसके बाजू में झरना बहा हुआ है जो कि इस तरफ गया है। और यहाँ पर भी दोस्तों बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे ये मूर्ति है शिलालेख के ही रूप में। और यहाँ पर भी बड़ी सी मूर्ति शिलालेख के रूप में है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ बजरंगबली की मूर्ति अंदर चल के। ये देखिए दोस्तों, ये कुत्ता भी आया था यहाँ पर बजरंगबली का दर्शन करने, ये जा रहा है। यहाँ पे टाइल्स वगैरह अच्छे से लगी हुई है और ये गेट, चैनल गेट, ये हनुमान जी जय बजरंगबली। यहाँ पे घंटी लगी गई थी फ्रेंड, लेकिन कुछ लोगों द्वारा यहाँ फिर निकाल ली गई है। और यहाँ पे ये रामचुआ के बजरंगबली हैं, जय बजरंगबली। और इधर यहाँ पे ये पावचिन फ्रेंड, जो मैं गुलाब का फूल लिया था उसे मैं चढ़ा देता हूँ, जय बजरंगबली। मैं चढ़ा दिया
गाइज अब ये बरगद के पेड़ के पास आ गए हैं, जो कि ये एक ये मूर्ति है जो कि, और ये बरगद का पेड़ है और इसके इस साइड ये बड़ी सी मूर्ति है शिलालेख के रूप में। आप देख सकते हैं इस तरह से है ये मूर्ति। फ्रेंड ये मूर्ति इसी झरने से निकाला गया था, ये जो झरना बह रहा है इसी झरने से ये मूर्ति निकाली गई थी और फिर यहाँ पे ले आके रख दी गई है, कुछ इस तरह है। और यहाँ के चारों तरफ ये कुछ इस तरह वातावरण हरा भरा पूरे। और फ्रेंड यहाँ बाजू में ही कुछ बिल्डिंगें यहाँ से बन रही है और यहाँ पास में लगता है हमें कुछ बड़ी ही बिल्डिंग बनने वाली है। पहले दोस्तों यहाँ पे वो ईंटा का भट्टा था जो कि अब हट गया है। इस मूर्ति में ये कछुए का यहाँ पे चित्रण हुआ है, यहाँ पे मछली का ये चित्रण हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ये शिलालेख, ये जो पुरातात्विक शिलालेख हैं उनका ये चित्रण है कुछ इस तरह। और ये हाथ में इनके कोई देवता हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह का ये मूर्ति है यहाँ पे। और चलते हैं अब वहाँ दूसरे बरगद के पेड़ के नीचे, कुछ इस तरह के शिलालेख हैं जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं सभी चीज़ आपको बता दिए हैं और सभी चीज़ आपको दिखा दिए हैं। ये बजरंगबली का मंदिर है और ये स्कूल है जो कि पीछे थे टाइम में आपको साफ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब साफ कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, जो कि गांव की स्कूल है कुछ इस तरह से हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये मूर्ति शिलालेख है, इसको भी मैं दिखा दिया। टोटल आपको दोस्तों मैं इस ब्लॉग में दिखा दिया हूँ। दोस्तों कैसा रहा मेरा ब्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ब्लॉग मेरा देखने के लिए आप चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।